सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रिश्तों में वैसा ही संबंध होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। हाथ पर चोट लगती है तो आँखों से आंसू निकलते हैं और आंसू आने पर हाथ ही उनको साफ करता है। किसी को ये महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूटे हुए हो, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की एक एक ईंट तक उठा ले जाते हैं। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने ना दो, बुरे को अपनाओ मत। आज का पंचांग 10 जून 2022 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि सुबह 7:26 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र रात्रि 3:36 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:35 से 11:30 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:53 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर शाम 4:07 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। तुला राशि 10 जून 2022 दिन शुक्रवार। अपने पिता या बॉस के साथ किसी मतभेद के कारण आपकी यात्रा की योजनाएं रद्द हो सकती है। अपने दोस्तों और पड़ोसियों का समर्थन करें, उन्हें अभी आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। किसी क्लास या प्रशिक्षण में नामांकन की वजह से आपके करियर में दिलचस्प संभावनाएं होगी। आज सामाजिक कार्यों के लिए समय निकालें। किसी बड़ी परियोजना या व्यावसायिक प्रस्ताव की योजना को अंतिम रूप देने से बचें। व्यस्त दिन में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आज आपके लिए वित्तीय मामले ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होंगे। पहले से ही योजना बनाना न केवल सफलता की नींव रखता है बल्कि आपको आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। फोकस का केंद्र रहना आपकी सहज विशेषता है जिसके कारण कई लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जब आप सहज रूप से वर्तमान, भूतकाल और भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आपको बहुत से अपने जवाब और समाधान मिल जाएंगे। खास लोगों के साथ संपर्क बनेंगे और किसी सामाजिक गतिविधि में आप उत्तम योगदान की वजह से सम्मानित भी होंगे। किसी आर्थिक परेशानी में आपके दोस्त आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव के प्रति लचीलापन दिखाने की कोशिश करें जिसकी वजह से मानसिक तनाव कम हो सकता है। अभी के समय में खुद पर ही फोकस करें, इस कारण बेकार की बातों से खुद को दूर करें। आपके मुख्य काम के अलावा नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। पार्टनर्स एक दूसरे की बातों को ठीक से समझने की कोशिश करें। आपके संवाद ठीक से न बने रहने की वजह से अन्य लोग इस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं। जोड़ों का दर्द या घुटनों से संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। बैंकिंग अधिकारियों के लिए समय कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। संविदा कर्मियों को पदोन्नति अवसर मिल सकता है। ऋण लौटाने में अनुकूलता रह सकती है। ब्लड शुगर का खास ख्याल रखें। टिफिन सेंटर वालों को अधिक अनुकूलता अनुभव हो सकती है। अपनी कार्य योजना को क्रियान्वित करने के लिए लोगों का सहयोग लेते समय पर्याप्त सजगता बरतें। निकट रिश्तेदारों के साथ तालमेल की समस्या भी रह सकती है, तनाव से बचें। निकट की यात्रा हो सकती है, किसी पारिवारिक समारोह में सम्मिलित हो सकते हैं। लोगों से अपेक्षाओं पर पर्याप्त नियंत्रण रखें। फिजियोथेरेपिस्टों को अनुकूलता भी रह सकती है। ब्याज पर दिया धन परेशानी का कारण बन सकता है। गैर बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय अधिकारियों को अधिक अनुकूलता रह सकती है। सोनोग्राफी करवानी है तो करवा सकते हैं। मानसिक शांति भंग भी हो सकती है। नकली गहनों के कारोबारी काम को विस्तार दे सकते हैं। सेमी आउटडोर खेलों के खिलाड़ियों को सफलता मिल सकती है।
करियर में सफलता मिल सकती है। हड्डी संबंधी दर्द की ओर विशेष ध्यान दें। सावधानियां, सिर्फ यह ध्यान रखना जरूरी है कि लोगों के साथ मेलजोल करते समय उचित शब्दों का ही प्रयोग करें। आपके विचारों में संकीर्णता की वजह से कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, इसलिए समय अनुसार अपने व्यवहार तथा विचारों में भी लचीलापन बनाकर रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर के सभी सदस्य खुश रहेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता भी रहेगी। परिवार का महत्व आपसे अधिक और कोई नहीं जानता, क्योंकि परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। ऐसे में किसी खास के लिए समय निकालें और उन्हें प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर ना छोड़ें। सहयोगियों और पड़ोसियों से विवाद से बचें, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आज आप जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करेंगे। आप जिंदगी में बड़ी योजनाएं बनाने और रिस्क लेने के बारे में सोचेंगे। यही नहीं, आप लव लाइफ के लिए भी कुछ बड़ा विचार करेंगे। याद रखें, रिश्ता वही सफल है जिसमें दोनों के बीच में स्पष्ट और सच्ची बातचीत हो। आप आजकल पहले से भी अधिक आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। आप ऐसे आदमी से भी संपर्क करेंगे जिन लोगों से आपको उम्मीद भी नहीं थी। इससे आपको काफी आश्चर्य होगा, लेकिन उनके बारे में समय लेकर सोचिए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा। समय के साथ साथ खुद ही उनका फैसला हो जाएगा। पिछले समय के कड़वे अनुभव के कारण खुद को बांधे न रखें, खुलकर जिए। बात करते हैं करियर की। नए और अलग अलग कार्य करने के अवसर आज आपके रास्ते में आएंगे। आज नए ग्राहक और विभिन्न परियोजनाएं आपके पास आ सकती है, और कुछ में तो इतनी संभावनाएं होगी कि वो आपके सपनों की या महत्वपूर्ण योजना बन सकती है। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए आपको आज अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, और आप इसे करते हुए आनंद को महसूस करेंगे। आज अपने रोजाना के शेड्यूल से समय निकालकर भाई बहन की परेशानियों या पड़ोसियों की समस्याएं सुलझाने के लिए समय निकालें। कला लेखन विश्लेषण के क्षेत्र में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, इसीलिए इस और अधिक ध्यान दें। आज चिंता से बचें और अपना पूरा ध्यान अपने काम की ओर लगाएं। अपने आप के बारे में जानना आपकी आज प्राथमिकता रहेगी। कुछ समय सामाजिक कार्यों में भी बिताएं। महीने के अन्य दिनों की तरह आज धन संबंधित मामले आपके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अपनी योजनाओं की शुरुआत सोच समझ कर करें। भविष्य के बारे में पहले से ही सोचना जीवन की मजबूत नींव तैयार करता है। व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। किसी भी परेशानी में घर के वरिष्ठ तथा अनुभवी व्यक्तियों की सलाह और मार्गदर्शन से आपको कोई नई दिशा भी प्राप्त हो सकती है। नौकरी में ट्रांसफर के लिए इच्छुक लोगों को शुभ सूचना मिल सकती है। बात करते हैं सेहत की। मौसम में बदलाव की वजह से आपकी तबीयत खराब हो सकती है, ध्यान रखें। आपने बहुत मेहनत से अपना डाइट कार्यक्रम तैयार भी किया है और उस पर चल रहे हैं। किसी क्षणिक लालच में पड़कर अच्छे कामों को व्यर्थ ना करें। आपका कोई दोस्त या सहकर्मी आपको इसके लिए उकसा सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको अगली सुबह कैसा महसूस होगा। आज आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे, अगर आप असफल हुए तो आपकी मूल्यवान ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। आज का उपाय, आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।